हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को वेक्टर एलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम सदिशों के वज्र गुणनफल या सदिश गुणनफल के बारे में बताएंगे। और हाँ, यदि आप डिप्लोमा के छात्र हैं या इंटरमीडिएट के छात्र हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आइए चलते हैं अपने, हम लोग जो जिसके बारे में बातचीत करेंगे उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दिया है सदिशों के सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। यदि ये दिया रहे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें फार्मूला होता है दो सदिशों के बीच का कोण। मान लेंगे ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए होता है तथा मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर बी। और जो ये एन कैप है इसको हम लोग एकांक सदिश या इकाई सदिश भी कहते हैं। फिर देखिए इसमें दूसरा जो दिया है, दो दिए गए सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कैसे निकालेंगे। तो एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद मॉड ऑफ का बंद। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकाई सदिश निकालेंगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, ऐकिक सदिश या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। जो सदिश वेक्टर ए बराबर 4i(-j) + 3k) और वेक्टर बी बराबर 2i(+2j) - k) दोनों पर लंब हो। तो इकाई सदिश बराबर, हमने आपको फार्मूला बता दिया है, एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी मतलब इसको हम लोग सारणिक विधि से निकालते हैं। तो सारणिक विधि क्या होती है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है और सारणिक वाले चैप्टर में भी बताया है, तो आप लोग पिछला वीडियो देखकर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले सारणिक के रूप में लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी बराबर i(j)(k) लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आई के नीचे 4, फिर जे के नीचे यहाँ देखिए ए वाले में यहाँ -1, के नीचे यहाँ देखिए 3। इसी तरह यहाँ बी वाला भी लिख लेंगे 2 2 -1, 2 2 -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिए आगे। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को पहले लेंगे, फर्स्ट रो कॉलम को। तो देखिए इसको और इसको फर्स्ट में जब लेंगे तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा -1 × -1 = 1। फिर माइनस का चिन्ह होता है वो आपको हमने डिटरमिनेंट्स में बताया है। फिर 3 × 2 = 6। फिर यहाँ होता है आई कैप। फिर देखिए फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, फिर करेंगे तो इस बार इसको और इसको बंद करेंगे तो होगा 4 × -1 बराबर -4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह होता है, उसके बाद इसका यहाँ 3 × 2 = -6 तो -6 हो जाएगा इंटू जे कैप। फिर यहाँ फार्मूले में प्लस होता है तो इसको और इसको पूरा बंद करेंगे तो 4 × 2 = 8। फिर माइनस होता है तो माइनस के 1 × 2 = -2 होगा और माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा 2k कैप। तो इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -5i(-6, 4, 10, देखिए 6 4 10 तो ये भी माइनस माइनस रहेगा तो इसलिए प्लस हो जाएगा 10j(+10k)। तो देखिए फार्मूले में हमारा होता था ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी निकल गया, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर देखिए अंडर रूट इसका वर्ग,
-5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, देखिए -5 का वर्ग होता है प्लस, तो देखिए आई कैप के गुणांक का वर्ग हो गया प्लस, जे कैप के गुणांक का वर्ग हो जाएगा प्लस, के कैप के गुणांक का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 25 प्लस 100 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 225 बराबर 15। अभी अमान हम लोग फार्मूले में रख लेंगे, तो एन कैप बराबर होता है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी देखिए हमारा है 5 i -5 i प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप अपॉन, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का माना है 15। तो ऊपर देखिए 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा -i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन 15, इससे कैंसल बट्टे 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 -i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और आने के लगभग बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, उसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को और जो हमने पिछले वीडियो में जितने भी फार्मूले बताए उनको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर फार्मूले तैयार नहीं रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन अच्छे से लगेंगे नहीं। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ।